हरियाणा स्टार देखने वाले सारे दर्शकों ने मिठू घुमाना जी, राम राम और नमस्ते भाई। मैं हाल फिलहाल भाई सोनीपत में बैठा हूँ और मेरे साथ जो शख्स बैठा है अक्सर सोशल मीडिया पर भी तो हाल फिलहाल रोज़ चर्चा में रहा है अपने इलेक्शन ने लेकर। तो भाई देखो, हर शिकारा कोई आज छोटी मोटी हस्ती तो है नहीं, सब जाना है सोशल मीडिया पर। जो सोशल मीडिया चलाओ आज के दिन, एक भी बंदा ऐसा नहीं पाओगे जो इस चेहरे नहीं पहचानता होगा। चिल्ला चिल्ला के सरकार के खिलाफ बोलना, अपनी हक खातर लड़ाई लड़ना और लगातार सोशल मीडिया पर एक बात कहता था हर शिकारा कि मैं कदे भी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, पर आज इलेक्शन की दौड़ में उतर गया है और हर हलके में हलचल माच गई है टिकट न लेकर। टिकट का रोड़ा है, चाहे कितनी पार्टी हो, चाहे कितने पार्टी में कोई भी कितने प्रत्याशी उठ रहे हो, पर टिकट एक सदस्य ने मिलेगी, एक प्रत्याशी ने मिलेगी। तो गो आना तय भाई साहब, मार्केट में आगे हैं, इवन देखो कौन सी पार्टी इलेक्शन लड़ेंगे और कौन सी पार्टी टिकट देगी। तो सबसे पहला बात करवाऊंगे राम राम हर्ष भाई। सभी साथियों को जहां तक मेरी आवाज़ सुन रहे इस चैनल के माध्यम से हर्ष शिकारा की तरफ से आज जोड़कर राम राम। अच्छा हर्ष भाई, लगातार सोशल मीडिया पर आपके मुँह से एक बात सुना करते कि मैं जो आज समाज सेवा करूँ हूँ वह इलेक्शन लड़ने खाता नहीं करता और आज इलेक्शन में आगे क्यों करते। देखो सबसे मेन चीज़ ये है, समाज सेवा इलेक्शन लड़ने के लिए थोड़ी करी है, समाज सेवा करी है जो गरीब आदमी होते हैं उनकी हालात देख कर। इलेक्शन लड़ने की एक बात बताओ, समाज सेवा तो 2012 से कर रहे, 24 आ गया, 12 से लेकर 24 थी चुनाव, तो क्या पता कितने बार आए हैं, कई बार तो आ चुके हैं। ऐसा है, समाज सेवा जो करी है या समाज सेवा का मतलब तो आप तो इस तरह कर रहे हो जैसे आगे करनी ही नहीं है, ये लास्ट दौर था, ये अपने खून में रम रही है और खून में भी नहीं है, भीतर तो यार भावनाओं तो यार है, मारे हालात खुद मारे ऊपर बीत रही है, हमने ऐसे हालात देख रहे कि हमारे हालात हम सोच के दूसरे गरीब आदमी की ज़रूरतमंद आदमी की मदद करने की कोशिश करते हैं। समाज सेवा एक अलग चीज़ है, राजनीति एक अलग चीज़ है। अब आपका कहना समाज सेवा तो राजनीति में आगे, उसका कारण ये है, समाज सेवा जब करा हाँ दिन में एक मदद कर दिया हाँ दो कर दिया हाँ, लोगों ने उम्मीद ज़्यादा होगी, मदद मांगने वाला तो एक दो ना आता, कदे तड़के तड़क मेरे घर के बाहर आओ, ऑटो ले लेगा लोग आई यार, लोग ऑटो कर का आ रहा किराए की, 20-20, 30-30 जने बाहर बैठे रहा ना, मैं सुबह थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ बाहर लेकर रूम ने खुद शर्म आया कर, वे जब रोएंगे बाहर बैठ कर न्यू कहेंगे बेटा तेरे बिना कोई नहीं सारे गांड लिए। मेरा जवाब होया अगर एक बारी अपने शहर के मिल लेते तो मिल लो, बोला कूने मिल ले भाई, कोई ना बढ़ने देता हमने तो, और किसी नेता मंत्री थे बेटा सब तछे के लिए कोई कितने भी नहीं बढ़ने देता, एक आधा को घना का मेले में ले हो, मान लो किसी छोरी का ब्याह का कार्ड लेके चले गए 1100 रुपये दे देगा, लो मेरे दौर तो ये हैं, अब 1100 रुपये हम क्यों उसका अपने बेरा, इतने रुपया की तो वाटो करके ले रहे होंगे उसके दिए जहाँ हैं। तो जब ये हालात देखे, ये हालात देखा हम तो लास्ट में हमारे पास जवाब ये हो यार माता जी नहीं कर पाऊंगे, क्योंकि हम पहले ओट रहे हैं किसी की, ओटी ओट नहीं करांगे हमारी बूंद होगी, हमारी औकात इतनी हम दिन में एक कर सका या दो कर सका, मदद आ जाए 20-20। तो वो करने के लिए देखो भाई, या तो बेशुमार पैसा हो हमारे पास नहीं, हम राजा के घर पैदा नहीं हो रहे, या हमारी पोच बड़ी हो, पोच भी बड़ी नहीं है, खुद गरीब हाँ, तो इसके लिए अपना विस्तार करना पड़ेगा, अपने आप को बढ़ाना पड़ेगा। आप जब मदद कर सकते हो स्वयं आप ताकतवर होगे, तो इसके लिए हमने ये सोचा सोशल मीडिया तो जब हम मदद करा हमारा लोग इतना साथ देने लग रहे हैं, आज तक जो कुछ बना रखे हैं देखो मैं आपको बता देता हूँ, मैं बनाया हूँ इस समस्त समाज ने, समस्त भाईचारे ने और सोशल मीडिया ने। तो मेरा मानना ये है क्यों ना इस पहल को आगे बढ़ाया जाए। फिर एक बार एक बुजुर्ग ने बात मारी थी, एकता उन्होंने कही थी बेटे छकारा कितना ही बड़ा हो लिए, जब तक बड़ा नहीं होगा जब तक तेरे फोन के अंदर ताकत नहीं होगी, इस फोन के अंदर की ताकत को बड़ा। मैं बोला ताऊ जी ये कैसे बढ़ेगी, बोला कि तो MP MLA बनेगा ना, और जब फोन करेगा मैं फलाना MP बोल रहा हूँ, फलाना MLA बोल रहा हूँ, एक फोन पर दड़ाक दे काम होगा, ये वो काम तेरा नहीं हो, वो काम किसी न किसी गरीब का ही तो होगा, तो इस मारे अपनी ताकत बढ़ा। फिर यह बात मेरे दिमाग में घर कर गई, बात तो ठीक कर रहा। फिर जो अपनी टीम है, टीम बार बार कहती संपूर्ण जो भाईचारा जितनी मात्र शक्तियां हैं, जब इतने चोर ठग डाकू मुजरिम बलात्कारी गुंडे
ये नेता मंत्री बन सके, ये चुनाव लड़ सके हैं, तो गरीब परिवार का बच्चा क्यों नहीं लड़ सकता भाई? एक गरीब घर का बाड़ा क्यों नहीं आगे आ सकता? यह बात जब दिल दिमाग में आई तो फिर ये फैसला लिया कि गंदगी को साफ करने के लिए गंदगी में उतरना जरूरी है। अच्छा। राजनीति एक दलदल है, वास्तविकता है, इसमें कोई छुपी हुई चीजें तो है नहीं, मैं कोई अलग नहीं हूँ, ये तो समाज का ताया कर देते का ताया सदियों से रीत चलती आई है। तो अब इस मारे ये फैसला लिया है ताकि कुछ न कुछ अच्छा कर सकें, और अच्छा करेंगे अगर ताकत होगी हमारे पास, बिना ताकत के क्या करेंगे, कितने दिन कर लेंगे। अच्छा, लडरावण गांव झज्जर जिले में आवा है, तो झज्जर जिले तभी आप इलेक्शन लड़ सकते हैं क्योंकि आपके पास लडरावण के पास लगा सरकार। एक ही बात पूछता है कि लडरावण गांव झज्जर जिले में आवे है, वो मेरा पितृक गांव है, मेरी जन्मभूमि है, लेकिन उस गांव के अंदर, उस गांव के आसपास जो मेरा हल्का लगता है भादुरगढ़, जिसको आप बोल रहे हो, भादुरगढ़ के आसपास मैंने कोई ज़्यादा समय नहीं बिताया। वहाँ के जो जितने भी मेरे तमाम साथी हैं, मेरे गांव हैं, मेरे काका ताऊर हैं, उन्हें ज़्यादा टाइम तो ना दिया ना, टाइम वहाँ पर तो ना दिया। चलो मान ली आपने, लोग नियमित मैं बात तो जाकर लड़ ले। देखो मैं बताता हूँ लोगों का क्या है, सोशल मीडिया भाई मुंह आगे ग्राउंड पड़ा, कोई कुछ भी कह सकता, कहने से थोड़ी कुछ होता है, वो तो हमने देखना ना, हमने न्यू तो देखना पड़ेगा, हमारे को सबसे ज्यादा प्यार प्रेम कहाँ से मिल रहा है, हमारा मजबूत भाईचारा कहाँ पे, मजबूत टीम कहाँ पे है, कहाँ से हमें फाइट करनी चाहिए, ये इस मारे चुनी ये जगह है। हमने पहले एक बात सोची थी, अगर कोई किसान नेता और कोई समाज सेवी या कोई अच्छे कर्म करने वाला चेहरा जहाँ से ना खड़ा हो वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। यहाँ से हमने देखा और तो यहाँ ऐसा हमने कोई भी चेहरा दिखाई नहीं दिया, इस मारे यहाँ से फैसला लिया। अच्छा, के लगे कौन सी पार्टी तय हाल फिलहाल कौन सी पार्टी टिकट मांगने लग रही है? भाई साहब कोई सी तो भी नहीं मांगते ना, हमारी इतनी औकात कि किसी पार्टी से टिकट मांगा। एक फोटो वायरल हुआ था आपका भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ दो तीन दिन पहले, तो वो क्या था? हुड्डा साहब तो मेरी 100 बार मुलाकात हो ली होगी, फोटो एक वायरल होया, इसका मतलब नॉर्मली बात है, चुनाव आगे कुछ भी वायरल हो सकता है। बाकी मैं आपको बता दूं, वे आदरणीय है हमारे लिए, बड़े हैं, हमारे पिता से भी कई साल बड़े हैं और हरियाणा के राजा भी रह चुके हैं, तो भाई अपने आप ही आदरणीय और पूजनीय हो जाते हैं। वो अक्सर जहाँ भी मैं मिलता हूँ मेरे को बधाई देते हैं, शर्पा हाथ रख क्या करें, और ये कहा करें बेटा न्यू वाला कह रहा है बहुत कसूते काम कर रहा, जो तू काम कर रहा ना ये काम सीधा सीधा मानस कर रहा है, और तू करनिया नहीं है परमात्मा करवानिया है, लग रहा ये उल्टा नाटी है। अच्छा, तो ये आम बातें हैं। अक्सर आपने एक बात कही थी सोशल मीडिया पर जब भी लाइव आते कि मैं एक ऐसा शख्स हूँ जिसके पास हर पार्टी का फोन आवे कि मेरी पार्टी टिकट ले चाहे बीजेपी हो, NLO हो, कांग्रेस हो, तो ईब आपका मन कौन सी पार्टी तरफ जा है? हर पार्टी तो नहीं, हर पार्टी में तो क्या पता कितनी पार्टियां भाई, जो अपनी क्षेत्रीय पार्टी है, जो अपने आड़ा हरियाणा में जिनका दबदबा है, तकरीबन आदमियों को कहीं ना कहीं मैं मिल चुका हूँ, यानी कि किसी न किसी प्रोग्राम अक्सर मुलाकात हो जाए। और सबसे मेन बात ये है, हाँ ये वास्तविकता है, हर एक पार्टी वाला आदमी ने जरूर सोचा रहा है भाई का मजबूत संगठन है, बहुत घना संघर्ष कर रहा है, हमारी पार्टी में आ जाए तो वे अपना भला देखते हैं आपका नहीं, तो ये सोचे कुछ नहीं होता भाई, सोचे तो आपको बता दूं भारतीय जनता पार्टी है, मेरे हिसाब से तो सबसे ज़्यादा तो उनके साथ लड़ाई लड़ने वाला मैं हूँ। अगर बीजेपी पार्टी आपने 1% टिकट दे तो आप लड़ोगे उसके? बात ना खत्म कर दे जिंदगी में भी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके अलावा और कोई पार्टी अगर यो बैम हो, एक बात और बता देता हूँ, यो बैम हो टिकट 20 हल्के मगे दे है भाई। अच्छा, न्यू कह रहा है कि आ टिकट ले बनाना हमारा काम बनावा हमगे, और आगे जो बड़ा पद होगा वो पद हम देंगे, लेकिन कदम तो ले आ तो जा। क्यों कदम ले रहे इस पार्टी रहे हैं? नहीं, इस पार्टी का राज रहा है, देखो सेंटर में इस पार्टी का राज है, और आप इस सब पार्टी से पीछे क्यों हटो भाई? मारी उनके साथ कोई विचारधारा नहीं मिलती, जो आदमी जातिवादक होगा, समाज तोड़क होगा, जो आदमी बिना किसी मुद्दा के आपस में भाई को भाई से लड़वा होगा, भाई से भाई का बैर करवा होगा, मैं उस गतिविधियों को 1% भी पसंद नहीं करता। अच्छा, अक्सर कमेंट देखा करता मैं नीचे आपके जो वीडियोज थी, आप जब भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ भी बोलते तो नीचे एक कमेंट लिखा करते आदमी कि हर शिकारा कांग्रेसी है, ये सच में कांग्रेसी भाई साहब? भाई साहब देखो कोई ना कोई के मन के मत है, लोग का की है ये बाप हो, किसकी वोट गिरी थी इसकी बार? तो बता फिर भी कांग्रेसी हो आपने बताना चाहिए। मैं देखो चीज एक्सेप्ट करने लग रहा, आपने नहीं बताना चाहिए किसे की गेरी होगी, तो फिर आप जिसकी भी गेरी उसके हो। देखो
बात सुनो, बिरा की है चेहरा देख कर भी आदमी वोट दे है। छोटी बात सुनो, मारे से हम ही दो जोटे लड़न लाग रहे हैं भाई, हमनू चाहवा यो जीत जा, एक पा हम जोर ला रहे हैं एक पा दूसरे ला रहे हैं, जीतते तो कहगा, लेकिन हमने वोट तो गेरी ना, यानी कि उसको सपोर्ट तो किया ना, तो जो पार्टी है वहाँ से आपके वहाँ जो कैंडिडेट खड़े थे भले ही आप ना चाहते हो, हमारी पसंद का कोई सा नहीं भाई किसी भी पार्टी का, पर वोट ना घरा कौन रखेगा देखता नहीं है पड़ेगी। तो या तो चुनना तो जरूरी होता, तो इसका मतलब ये नहीं होता जिसके आप वोट दिया आप उसके होगे, ऐसा नहीं है। इसका मतलब सब जितने भी किसान नेता भाई सब कांग्रेस ही होगे, विपक्ष की भूमिका कांग्रेस का निभारी थी, आम जनता निभारी थी, आम जनता परेशान है सरकार से, सरकार कोई भी हो उसका जो विरोध करती है वो हमेशा जनता करती है और जनता ही सरकार को चुनती है। एक बात हो रही थी बीच में, जब पहलवाना का जब धरना चल रहा था उस टाइम पे दीपेंद्र हुड्डा या प्रियंका गांधी वहाँ, मतलब प्रियंका जी वहाँ पूछी थी, जब उनको कहते कि ये राजनीति स्टंट है, ये कोई भी धरना नहीं है पहलवाना का। शानी बात, ये भी मेडल लेने लग रही, न्यू क्या दिखा है, ये हमारी बेटी है, देश का नाम रोशन कर दिया, ओलंपिक चल रहा है, मेडल आए होंगे मनु भाकर के, प्रधानमंत्री ने बधाई दी, क्यों दी, कारण का पता है, इसका कारण ये हरियाणा में चुनाव है, हरियाणा की वो बेटी है, सबसे ज़्यादा मेडल हरियाणा के आओगे, आज शाम को विनेश फोगाट जो बेटी उड़ा लड़ रही थी इस कैमरे के माध्यम से, पहले तो उस बेटी को मैं सलाम करता हूँ। इतना सब कुछ उनके, मतलब उनके ऊपर इतने आरोप लगने के बाद, उनको परेशान करने के बाद, जो मतलब और बड़ी स्टार हैं जिन बेटियों ने हिंदुस्तान का तिरंगा हमेशा ऊपर लहराया है, उनको दिल्ली में जब न्याय चाहिए था तब सरकार और सरकार के जो आईटी सेल के आदमी होते हैं वो बार बार तंज कस रहे थे, अगे तो विपक्षी हैं विरोधी हैं। अब आप मेरे को एक बात बताओ, जब उनका मेडल आवे है बधाई किस मारे दे रहे हैं, क्या अब वो विपक्षी नहीं है, अब वो देश की शान हो गए। सोचने की बात ये है भाई साहब, जो भी सेंटर में सरकार होती है, कोई आदमी किसी चीज़ को लेके प्रदर्शन करेगा तो उसके पक्ष में तो कोई ना कोई तावेगा, पक्ष उसकी सुनता नहीं, विपक्ष उसके साथ नहीं लगेगा, कहाँ जाए फिर वो आदमी। यह बात तो आपने सही, एक 100% सही कही, कोई भी पार्टी अगर इस जगह अगर कांग्रेस होती तो उस टाइम पे बीजेपी भी आती, वास्तविकता है। आपने पुराने फोटो ले काट के देखो, सबसे महंगाई के ऊपर जो चिल्लाने वाले थे अपने अनिल विज साहब, कुर्ता काटे पाऊंगे किसाना के लिए, नंगन प्रदर्शन करने वाले, अर्ध नंगन बोलते हैं, मेरी वीडियो ने किसी तरीके से फिर वायरल कर दिया रहा है, उसको अर्ध नंगन बोलते हैं, धनखड़ साहब, बराड़ा साहब, अनिल विज साहब कुर्ते निकाल निकाल के रोड पे चिल्लाया करते, किसाना ने किसाना का हक दो, जैसे ही सरकार आई शायद वो कुर्ता उल्टा पैर लिया और भूल गए हक देना था, जैसे ही या सरकार चली जाएगी वो कुर्ते फिर काट लेंगे, फिर याद आ जाएगा। नेता का कोई रूप नहीं होता, मेरा मानना है नेता सबसे बड़ा, नेता के पीछे हजारों चेहरे होते हैं, पब्लिक के सामने कुछ है, पब्लिक से दूर जाके कुछ है, कैमरामैन के सामने कुछ है, तो इनके जो चेहरे होते हैं ना भाई, इनको बेनकाब करना चाहिए और इनको बेनकाब करने का काम जनता को करना चाहिए। अच्छा, हर शिकारा भी नेता की दौड़ में आ गया है, तो हर शिकारा कौन सा चेहरा लेगा जनता के सामने जाए भाई, जो बारते हैं वही भीतरते हैं। मेरा तो दुनिया ने बेराबर बोला, जो कहना मुँह पे कहे, लोग कहने लाग रहे, मेरे जितने भी बुजुर्ग वे भी कहें छोरे क्या मत भीतर रख लिया कर, इतनी मत कहा कर कि तो मरवा देंगे, इतना मरवा देंगे, दुनिया मरण लाग रही हम कौन सा न्यारा मरांगे, जब तक बोलांगे, मेरा मानना ये है जब तक यह जुबान यो शरीर मेरा साथ दे रहा है, जो सच्चाई उसको सच्चाई कहूँगे। अच्छा, आज के दिन के पोजीशन आपकी टिकट की, कि टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी भाई साहब, टिकट की पोजीशन या टिकट की हमने को कोशिश तो ना करी है, मिलेगी ना मिलेगी या कैसे बता सकते हम, फिर किस तरह का चुनाव लड़ना पसंद करोगे? अपना कार्य है चुनावी मैदान में जो उतरे हैं, गोवाना विधानसभा, गोवाना विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी है, टिकट मिल लो ना मिल लो या चीज़ मायने नहीं रखती, मायने रखती है आपके पास कौन कौन से हथियार हैं, शाम दाम दंड भेद सब क्या है तो चुनाव लड़ांगे। अच्छा, जो जनता हमारी गोवाना हल्का की है, हमारे काका ताऊ हमारे सम्मानित बुजुर्ग हैं, हमारी मातृ शक्तियाँ हैं, वे नहीं कहेंगी बेटे उड़े तो टिकट ले, अपना जो अभिक है मैं धरी गए हूँ तब मैं टिकट लियाओ, किसी के बारे में तो क्यों कर चला जाऊंगा, मन न जानता ना कोई, टिकट तम लियाओ, चुनाव तम लड़ोगे बनो भी तम गे, तो टिकट नहीं मिलती या मिलती चुनाव लड़ना है, उल्टा हटना नहीं है।
निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ो। देखो हमने भी रपट जाएगा, मारे में कितने एक दो दाने हैं, इतना भाईचारा जोड़ रहे, इतने भाईचारे पर हम भी गर्व करा, घमंड करा, हाँ भाईचारे पे कती भाईचारे थी जिए हाँ मरे हाँ, भाईचारा अपने थी जिया मरिया है, तो एक बार हम भी अपनी ताकत आजमाना चाह वहाँ चुनाव लड़ाएंगे, वो टिकट मिले ना मिले ये चीज़ मायने नहीं रखती। फील्ड में आगे मैदान में उतर गए हो, हाल फिलहाल दौड़ों भाग रहे हो, यानी कि घोड़े हो रहे हो ईब के हाल फिलहाल, तो कौन कौन से मुद्दे लेगा हर शिकारा गुआना मुतरा है? देखिए मुद्दे के ऊपर मैं आपको बता देता हूँ, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे मेन मुद्दे शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार है। जब तक ये नहीं सुधरेंगे ना कुछ भी नहीं सुधर सकता। शिक्षा जो है, शिक्षा गरीब का बालक हो या अमीर का हो, किसी का बच्चा हो उसको सामान्य शिक्षा मिल रहा है, पढ़ाई जो उसकी पहली क्लास से लेकर अंतिम जो पढ़ाव होता है चाहे वो किसी भी लेवल तक पढ़े वो मुफ्त में होनी चाहिए, ताकि उसके माता पिता की कमर ना टूटे खर्चा करते करते। फिर बात आती स्वास्थ्य की, जितने भी हॉस्पिटल हैं जितने भी अस्पताल सब के अंदर मुफ्त में इलाज होना चाहिए, ताकि किसी गरीब की जमीन घर धरती ना बिके, पैसा के अभाव के कारण जान ना जा। फिर बात आती रोजगार की, जब आपके पास शिक्षा होगी आप कहीं भी जाके कुछ भी काम कर सकते हो, आपको सरकारी नौकरी की जरूरत नहीं कि सरकारी नौकरी लगना जरूरी। इन हालातों को जब आप सुधार दोगे तो आज दुआ देश अपने आप सुधर जाएगा। अच्छा कल या परसों आपकी मैंने एक वीडियो देखी थी, एक पत्रकार साथी है पवन मलिक मोखरा जो अपने बड़े भाई हैं, उनकी मैंने वीडियो देखी थी गुआना गाँव के, गुआना गाँव मजा रहे थे आप, उसमें पानी की इतनी बड़ी तंगी है, तो शिक्षा स्वास्थ्य वो तो बहुत अलग चीज़ रहेगी, यानी कि जीवन जीने खातर भी जो चीज़ वगैरह वह भी कोई ना दिया। बहुत काम की आपने बात करी है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद भी देना चाहूँगा, क्योंकि मैंने अपील करी थी आप सारे पत्रकार साथिया वीडियो देखियो, सरकार ती पहुँचाइयो या आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा सरकार जो हमारे CM साहब हैं नायब सिंह सैनी जी उनसे और जो हमारे हाल फिलहाल के विधायक जी हैं जगबीर मलिक जी जैकी तक सुनते हों, तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, गुणा गाँव आप सभी साथी जानते होंगे गोवाना हल्के में आता है, गुणा फरमाना इकट्ठा बोला जाता है, गुणा गांव के अंदर पीने के लिए पानी तक नहीं है। जो इतनी बड़ी बड़ी घोषणा करते हैं, इतने बड़े बड़े वादे करते हैं, उन राजनेताओं को बताना चाहता हूँ आप सबसे हाथ जोड़ के विनती, उस गांव के अंदर एक हफ्ता रह के दिखाओ और वहाँ का जो पानी है वो पानी पी के अपना जीवन जी के दिखाओ, या वहाँ पे जो पानी की समस्या उसका समाधान किया जाए, ये आप सबसे हमारी रिक्वेस्ट है। वो सोनीपत तो तकरीबन नहर आते भरा पड़ा है, हर रोड पर नहर है और फिर भी सोनीपत में पानी की तंगी इतनी बड़ी बड़ी। भाई साहब यह बात आप जब भी विधायक साहब से मिलो, हमारे विधायक है जगबीर मलिक जी, उनसे पूछना, क्योंकि हर गांव में वो वादा कर, उस गांव में हर बार वादा करके जाते ही बीब का बना दो, अगली बार थारे गांव में पानी होगा, न्यू कह कह 5 बार बन लिए। अच्छा बात करिए आपने नायब सिंह सैनी जी की, और आप भी शायद आपके मन में होगी जो नायब सिंह सैनी है वो आपके हलके थे इलेक्शन लड़े, तो आप सामने तैयार हो? भारतीय जनता पार्टी ने जो सर्वे करवाया, सर्वे के अनुसार गोवाना की सीट को सबसे सेफ सीट माना गया मुख्यमंत्री साहब के लिए। अच्छा। और जब सेफ सीट माना गया तो मुख्यमंत्री साहब का स्वागत है, यहाँ से आके चुनाव लड़े, कम से कम देखो मुकाबला हो, मेरा मानना ये ठड गल होना चाहिए, ठड्डा गया लड़ाएंगे हमने भी स्वाद होगा, हम उनके बाड़क हाँ उनके बच्चा ही समान है उन नागत हो, लेकिन यूथ और युवा के जब श्यामी खड़े होंगे असलियत का भी बेरा पाटेगा। पत्रकार आते तो छुप सके हैं, पत्रकार आते मना कर सके हैं, क्योंकि उनके पास ताकत है, किसी बात का जवाब ना देना हो पत्रकार ना बुला के हो सकता डरा के भी कटवा दें, इसको काट देना भाई ये सवाल जब दोबारा मत करना। हम वो हैं ना जब गुणा गाँव में आओगे हम खड़े होकर न्यू कहेंगे कहते मंत्री साहब CM साहब ही पानी देगा जा ना, तो वापिस जब तक नहीं जानते हैं जब तक पानी का जुगाड़ नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो हमारा हक है। और इसे इसे 20 गांव हैं, एक लाख गुणा को न्या गुवाणा के अंदर 20 गांव ऐसे ऐसे, हम तो चाहते हैं CM साहब यहाँ पर आवे, जो कहने लग रहे हर गांव के अंदर पानी हर गांव के अंदर बिजली है, हम फिर पूछांगे ना हर गांव कौन सा गांव है वो, ये आपके सामने इतने बड़े बड़े गांव रहे। अच्छा गोवाना में खेलता है 62 गांव हैं, 62 गांव हैं जी, तो किसी में तो पानी इतना भी है कि नालियां में भरा है, मतलब रोड भी बनाना चाहो मतलब बनवाना चाहो आदमी, तो उसके ऊपर भी कुछ आपने सोचा है कि कुछ लोग सबसे ज़्यादा बीमारी कहाँ तक फैला है जो बरसात का पानी भरा है, और हर गांव में ऐसी तंगी हो रही कि पानी न रोकने खातर निकासी खातर कितने भी जगह है कौन है, तो गुणा गांव में कुछ ऐसे देखो ज़्यादातर गांव के हालात ऐसे ही होते हैं, गुणा गांव में भी जड़ा हम खड़े थे वीडियो के रखे मैंने देखिए पानी है भरिया था, क्योंकि वो गंदा पानी है, गंदा पानी है तो नालियाँ में चाल के उड़े गए
जो गलियां हैं उनका विकास नहीं हो रहा होगा जब बैतून में पानी भर रहा है, उस पानी से सबसे ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं, मलेरिया आ रही है, मच्छर इस टाइम पर, क्योंकि आपने पता बरसात बहुत ज़्यादा हो है, तो कम से कम जो रहने की जगह वो तो साफ़ सुथरी हो। यानी कि इसका मतलब तो ये हुआ आप स्वयं बीमारियाँ फैलाते हो, क्योंकि लापरवाही के कारण ही तो बीमारी फैलेगी, और फिर उन बीमारियों के लिए हॉस्पिटलों के पास इलाज नहीं, प्राइवेट डॉक्टरों के पास जाओ, अपना पैसा फूको, ये तो एक खेल हो गया। खेल क्या है आपको एक चीज़ देखना, ईब की तय हम प्रोग्राम में जा रहे थे, मैं बोला भाई ऑर्डर रोक ले, चाय पीवांगे, अच्छे बल्लभ से लाग रहे हैं, बढ़िया होटल लाग गया, कम से कम 500 मीटर दूर तो जगमग जगमग हो रही, उड़ा जाकर रोक क्या ना जब उड़े खड़े हुए, मेरा बटा नहीं फाइव स्टार होटल जैसा ठेका बना रखा दारू का। सोचने की बात ये है, मी आंधी बारिश कुछ भी आई हो, कोरोना था जब भी ठेके खुल रहे थे, बाकी सब गम बंद था। तो जो मतलब ना काम की चीजें हैं उन पर तो सरकार इतना अंगाला जा है, शराब से इंसान खराब ही होता होगा, उसका जीवन खराब होता होगा, उसके पैसे खराब होते होंगे, पर उसके कौन देता है सरकार, नशा जिन कामों में फैल रहा जितने भी प्रकार का उनको कौन देती है सरकार, तो कम से कम इनको बंद करके इन अच्छे कामों पर ध्यान दे लो। अच्छा बात शराब की उठी है, तो हर चिकारा भी अपने इलेक्शन में शराब पिला होगा लोगों ने। भाई साहब मैं तो न्यू को बेशक वोट मत दियो, हमारे तो हाथ जोड़ के कहूँ भाई, इधर उधर के चक्रा में अगर किसी का यो ऐसी बात मन में हो, गंदगी और गलत चीज जाके सख्त खिलाफ हूँ भाई। अच्छा हाँ, मतलब खान पियान में कसर ना छोड़ो, पर दारू को मांगेगा तो कदम पीछा आपके। नशा किसी भी प्रकार का हो मैं उसके खिलाफ रहा हूँ, नशे के कारण ही घर परिवार बर्बाद हुए, जिनमें एक मेरा घर भी है, मेरे दादाजी भी बहुत ज्यादा नशा करते थे, जिसके कारण खुद होश में नहीं थे, ऊपर तक गिर गए थे छत पर गए, मेरी माँ नीचे बैठी थी, खाना बनाने लग रही थी, मेरी माँ के ऊपर गिर गए थे, मेरी माँ चली गई, उसका कारण क्या था, था तो नशा, दादा को जानबूझ के कूदा थोड़ी था, ठीक है। तो मेरा मानना ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, नशा घर परिवार सब कुछ खा जाता है भाई, नशा मैं क्या पूरे हल्के में क्या पूरे हरियाणा के अंदर जहाँ जो भी नशा बाटो उसने तक पकड़वाओ भाई, बेशक थारा ही नेता हो। अच्छा अरस भाई देखो, ई बाप राजनीति में हो, आपने समाज सेवा कौन से सन में करी, 2012 उस तो पहला भी आप जुगर भीड़ खड़ी हुआ है, कोई नेता है, नेता लोग उन्होंने खड़े हुए होंगे, जब वे वादे करे हैं कि मैं न्यू कर दूँ थरे गम में, थम जो कहोगे मैं मन नहीं बात करवा दूँ, किसी के भाषण भी ना सुने, किसी की रैलिया में नहीं, जब इंटरेस्ट नहीं था कभी भी, खाड़े में रहा करते, बड़का के बीच में रहा करते, हंसी मजाक रहना, कमरे में रहना, कट्ठा खाना कट्ठा पीना, तो खाड़े में भी आया करते नेता, तो वहाँ पे जाके क्या जाया करते कि मैट करवा देंगे फलाना करवा देंगे, ना हम तो टल जाया करते, हम इन बातें तो दबिया करते, हम ना छान लग गया था स्वाद ना आया करता। हाँ अब तक कितने गाँव में गए हो आप, इस बात का कोई आंकड़ा नहीं, इस बात का कौन निकाल सकेगा भाई, पूरा हरियाणा गोवाना में भी शुरुआत करिए, मेरे हिसाब से दो दिन हम गए हैं, छः गामा में या पाँच गामा में गए हैं। अच्छा के पोजीशन लगा उन गामा में, किस किस चीज़ की ज़्यादा जरूरत लगी आपने? देखो भाई उन गामा में जरूरत के है, मैं आपको बता देता हूँ जरूरत की बातें, मैंने अभी आपसे बताई थी, सबसे मेन तो ये है जरूरत जब बताओ ना, जरूरत कोई सुनने वाला हो, विधायक साहब किसी गाँव में आज तक दर्शन नहीं देते, जाते ही नहीं है, चुनाव से एक महीना पहले निकलते हैं, टिकट ले हुए हैं, चुनाव लड़े हैं, चार आदमी अनजाना है गाँव के लिए, उन चार आदमी अगर जाया करें तो समस्या तो 1000 है गाँव के लिए, अरे गाँव की अलग समस्या है, सुनने वाला हो तभी तो बताऊँगे। यो काम तो जो MP साहब हैं, MLA साहब, ये तो कोशेगा मना जाते, ईसा तो मैंने हर हल्के में देखा कि हर हल्के का हर गांव का आदमी नहीं कहोगा मारेगा, मैं तो मारा MLA अब तक देखा नहीं है, मरण के पास अकलना देखी उन लोग का अनजागरू करो ना भाई, हमारा काम के बनाओ क्यों हो, जब वे वोट लेना उन तो जवाब मांगो ना, आज बढ़ाया गया पहले कड़ा था, गांव के बाहर वोट ला दो, विधायक साहब नोट लाउड मारेगा मैं मत आना बाहर रहना, क्योंकि पहले न्यायिक के करना रहा तू जाना भी मारेगा मैंने मत बढ़ने दो, जब आप जब तक आप विरोध दर्ज नहीं कराओगे पता कैसे लगेगा काम नाराज है, और फिर ये पाप पकड़ा रहा है, जब ये पाप पकड़ना है जी गलती मानना है यो मौका दे दियो, ये इनके जुमले हों हैं उस टाइम पर यूँ कह दे दिया मौका आ जा, पर्चे पे लिख कर दो सामूहिक ग्रुप तक काम की ये 100 समस्या हैं, ये 50 समस्या हैं, 10 समस्या हैं, एक हफ्ते में ठीक कर दिए ये सारी समस्या, और ठीक करे पीछे काम आ जाइए तेरा स्वागत है, काम कराओ ना भाई इस टाइम पर। हर चिकार पूरे अस्त्र शस्त्र तैयार कर रहे इलेक्शन लड़ने खातर कि मैं गोवाना मतलब ताल ठोकूंगी, मैंने इलेक्शन चालू कर दिया, हर तरीके से तैयार हैं, मेहनत करना हमारा काम है, बाकी परमात्मा के हाथ में, जिसी मेहनत कराएं हमारी श्यामी होगी। जो गोवाना की जो जनता दिखना है उन्हें क्या कहना चाहोगे? गोवाना की जनता ने पूरा इंटरव्यू सुन लिया, अभी अपने आप को बता देंगे कि कहना है कि नहीं, मेरी एक विनती है
आप लोग गत है, आपका बेटा आपका भाई अगर अच्छा काम कर रहा हो तो साथ दियो, और जब हमारे दबत्ती को अच्छा काम कर रहा हो हल्के में फिर उसका दे दियो भाई। बिल्कुल। तो भाई मेरे साथ थे भाई हरस चिकारा समाज सेवी, सब जानो हो। तो भाई आपने यो इंटरव्यू किसा लगा कमेंट सेक्शन में चराए अपनी जरूर दे दियो, और वीडियो कर दियो शेयर। राम राम सारे भैया ने।